नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए देश के मानिंद पत्रकार श्री उर्मिलेश हैं। उर्मिलेश जी से हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बातचीत करेंगे कि देश इस वक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में किस दौर से गुजर रहा है, इन सब मसलों पर केंद्रित हमारी बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका। सर, आज आपने कीनोट स्पीच दिया विजय श्री स्मारक न्यास के कार्यक्रम में। आपने सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहुत आपका एम्फेसिस रहा, क्या चैलेंजेस सर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के? तो प्रेस फ्रीडम का जो सिनेरियो अपने देश में है वो अच्छा नहीं है, उसकी कई वजहें हैं। उसमें एक वजह तो यह है कि प्रेस ने अपने को एक होता था सेंसरशिप, जो हमने इमरजेंसी में देखी थी। इमरजेंसी में मैं अखबारों में नहीं था, पत्रकार नहीं था, मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन उस वक्त हम जानते थे कि सेंसरशिप हो रही है। तमाम जो मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, सेंसरशिप होती थी। कई लोग एडिटोरियल अपना खाली रख देते थे, कई ब्लैक कर देते थे, जैसे कई साहसी संपादक थे उन दिनों, रघुवीर साहब वगैरह, उन लोगों ने कई बार ब्लैक किया अपने एडिटोरियल। तो उस वक्त सेंसरशिप थी, इस वक्त सेंसरशिप नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन प्रेस स्वयं अपने को सेंसर कर रहा है। एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप है। हम ये नहीं दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे, हम शाम को सिर्फ मृदंग बजाएंगे, हम एक ही तरह की आवाज़, एक ही तरह का सुर, एक ही तरह की राजनीति का केवल गुणगान करेंगे। तो एक तरह की मृदंग मंडली जिसको हम कहते हैं, या भजन मंडली, ये एक सिलसिला हमारे मीडिया में दिखाई दे रहा है। जबकि मीडिया का काम, मैं समझता हूँ, समाज, आवाम और आम जनता, उसमें स्टेट भी है, उसमें गवर्नेंस भी है, सबको और सबकी खबर को लेना और देना है। ये काम हम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए भारत के मीडिया में आप देखेंगे कि अगर आबादी के हिसाब से, कम्युनिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बामुश्किल 10 से लेकर के 8 या 10% लोगों की बातें केवल मीडिया में आती हैं। रूरल इंडिया गायब होता जा रहा है नेशनल प्रेस से, मैं नेशनल प्रेस की बात कर रहा हूँ। आपको देखिए कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी खबरें नहीं हैं। एक ग्रेडियन अनरेस्ट इतना देश में है लेकिन उसकी खबर नहीं है। तो बामुश्किल 2 से लेकर के 2.5% जो है इस देश में रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत की खबरें आ रही हैं। ये कितना हैरतअंगेज बात है। नेशनल प्रेस में भारत के ग्रामीण क्षेत्र का सिर्फ 2 से लेकर के 2.5% का कवरेज है। ये हाल है अपने देश के मीडिया में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मीडिया के फ्रीडम के हिसाब से भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप कंटेंट जो परोस रहे हो अगर वो आपके समाज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो प्रेस आज़ाद कहाँ से है। सर, आपने जैसे कि बताया कि जो जन सरोकार की खबरें हैं रूरल इंडिया की है, ये बिल्कुल हाशिए पर हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन भारत के मीडिया में जो हुआ है वो ये बात सही है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो प्रेस, जिसे बड़ा प्रेस कहते हैं, वो धीरे धीरे बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चलता जाता गया। जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो अखबार निकालते थे, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हों या दूसरे और लोग हैं, बहुत सारे लोग दक्षिण भारत में, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे ग्रुप जो शुरू हुए आज़ादी की लड़ाई के साथ शुरू हुए, आज़ादी की लड़ाई के वो हिस्सेदार भी थे, बहुत सारे ऐसे वहाँ के जो खासकर मलयालम में, तेलुगू में, तमिल में, हर जगह। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, बड़े उद्योगपतियों ने लिया, लेकिन ये सब स्मूथली धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल प्रेस खराब हो गया था या उसमें कोई और चीज़ें नहीं आ रही थी, बिल्कुल पूंजीपति सर पे बैठा हुआ था संपादक के, ऐसा भी नहीं है। उस दौर में भी संपादकों को फ्रीडम मिली थी और इसीलिए कई बार हमारे संपादकों को ये भ्रम हो जाता था कि वो प्रधानमंत्री के बाद वही हैं। एक बड़े यशस्वी संपादक थे, उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद इस देश के सबसे बड़े अखबार का संपादक है, जो उस समय स्वयं वो थे। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहा हूँ। तो उनका ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो कॉर्पोरेटाइजेशन मीडिया का है, इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये नहीं है कि भारत के मीडिया का जो टेकओवर है या उसका जो संचालन है वो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो कॉर्पोरेट हैं उनमें किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी नहीं है। कॉर्पोरेट एक सुर में दिखता है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, वहाँ का भी प्रेस जो है कॉर्पोरेटाइजेशन वहाँ भी हुआ है, अमेरिका में तो भारत से भी ज्यादा। सर, मॉब लिंचिंग की खबरें जो है आए दिन अखबारों और मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं और अलग अलग मीडिया संस्थानों के राय भी अलग अलग होते हैं। आप मॉब लिंचिंग को लेकर के आप सर
क्या आपका दृष्टिकोण है और क्या उस पर आपका स्टेटमेंट होगा? नहीं, मॉब लिंचिंग देखिए अपने देश में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 4 साल से हो रही है, मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, और मैं स्वयं जब नवभारत टाइम्स पटना बिहार में, झारखंड उस समय बिहार में था, उस वक्त जब मैं वहाँ करेस्पॉन्डेंट था, तो हमने मॉब लिंचिंग वहाँ भी देखी है, वहाँ भी घटनाएं घटती थी, लेकिन उस वक्त आमतौर पे जो पिछड़े आदिवासी इलाके थे उनमें एक प्रथा चली थी कि डाइन कोई औरत है और डाइन कहकर लोग मार डालते थे किसी को। लेकिन आज जो मॉब लिंचिंग है उस वक्त की मॉब लिंचिंग से अलग है, वो अंधविश्वास आधारित मॉब लिंचिंग थी, बहुत ही खतरनाक थी, निशंस थी, बारबरिक थी, ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉब लिंचिंग बारबरिक है, निशंस है, लेकिन उसमें और इसमें एक फर्क है, वहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई राजनीतिक तंत्र या कोई राजनीतिक वैचारिकी उसका निर्धारण नहीं करती थी, उसकी दिशा नहीं तय करती थी, उसको डायरेक्ट नहीं करती थी। आज एक बड़ा फर्क है कि एक खास ढंग की वैचारिकी के निर्देशन में ये सब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कोई खड़ा होकर कह रहा है कि तुम करो, लेकिन जिस तरह की वैचारिकी का निर्माण कर दिया गया है समाज में, जिस तरह का मानस निर्माण किया गया है अब कुछ खास लोगों का, वो लोग अपने उस हर व्यक्ति को एक शत्रु की तरह देख रहे हैं जो उनके धर्म का नहीं है, जो उनकी बिरादरी का नहीं है, जो उनकी कम्युनिटी का नहीं है। गाय को पालने के लिए, उसका दूध निकालकर अपने बच्चों को पिलाने और दूसरों को बेचने ताकि उनकी दिनचर्या चले, इस काम के लिए भी कोई ले जा रहा है सड़क पर अलवर में, तो राजस्थान की अलवर जगह एक है, वहाँ की सड़क पर उस आदमी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये वैचारिकी का की बर्बरता है, ये अंधविश्वास की बर्बरता नहीं है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है तब की मॉब लिंचिंग में और अब की मॉब लिंचिंग में। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के विलोप की निशानी है। तो ये थे उर्मिलेश, जिनसे हमने बात की तमाम पत्रकारिता के सामने चुनौतियों को लेकर के और देश के मीडिया के सामने इस वक्त वर्तमान स्थिति में क्या क्या समस्याएं हैं उस पर भी उनकी बेबाकी से राय हमने जानी। बने रहिए एमएमसी न्यूज़ के साथ, हमारे वेब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलिए और अपने राय से हमें ज़रूर अवगत कराइए ताकि हम इसी तरीके से बेहतर कंटेंट आप सबके लिए लेकर के आते रहें। धन्यवाद, मैं हूँ अमितेश, अगले कड़ी में फिर आप सबके साथ एक इसी तरह की चर्चा लेकर के हाजिर होऊंगा। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।